राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के कथित ऑडियो के मामले में रांची जेल के आईजी ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद भी ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जेल से लालू प्रसाद की ओर से विधायक ललन पासवान को फोन करने पर सियासत काफी गरमाई हुई है। इस बीच हम और वीआईपी के अध्यक्ष ने भी लालू प्रसाद को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हाँ, हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू प्रसाद ने मुझे और मेरे विधायकों को संपर्क करने की कोशिश की। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने भी लालू प्रसाद पर यह आरोप लगाए हैं कि लालू प्रसाद ने उन्हें भी संपर्क साधने की कोशिश की थी। जो लोग संविधान को मानते हैं वो जेल से फोन नहीं कर सकते। जेल वैल्यू के अनुकूल कोई व्यक्ति जब जेल में है तो वो जेल से बाहर फोन नहीं किया जा सकता। फोन तो हमारे पास भी आया और भी जगह पर फोन गया है, ये बात सही है, लेकिन फोन नहीं आना चाहिए। जब अगर आप संविधान को मानते तो ऐसे नहीं होना। वही इस मामले पर जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने लालू यादव के सेवादार को लेकर सवाल उठाया है। नीरज कुमार ने पूछा है कि जेल के बाहर के लोग को लालू यादव का सेवादार कैसे नियुक्त किया गया। वही झारखंड सरकार से भी उन्होंने इसे लेकर सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर जेल आईजी ने जांच के आदेश दिए थे, उस जांच का क्या हुआ। नीरज कुमार ने राजद अध्यक्ष को आदतन अपराधी बताते हुए तिहाड़ जेल भेजने की मांग की। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल पर एक ऑडियो शेयर किया जिसमें लालू प्रसाद नवनिर्वाचित विधायक ललन पासवान को जिसमें लालू प्रसाद ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि स्पीकर चुनाव में तुम हमारा साथ दो क्योंकि ये सरकार गिराना है।